अगर आप पति के साथ भोजन करती हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, ऐसा भोजन कभी भी मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है, दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर करती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरीके से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है, और वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नी के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है और उसकी किस्मत पर पड़ता है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है, इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को पालन करने अवश्य चाहिए। लेकिन उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों पत्नी की ये पांच गलतियां पति को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्य उदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना ही करना पड़ता है। इस ऊर्जा का असर सीधे पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार चला जाता है, इसीलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिला अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे में से बदबू आती है, वहाँ दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती, अर्थात पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला गंदगी में रहती है उसके पति का खर्च ज्यादा होता है, इसीलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज ना नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती या अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखती, वो महिला नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई होती है, उसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जा का भी आभास होता है। ऐसे में पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो काम धंधे पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, और इसका असर साफ साफ उसके व्यवहार पर भी देखने को मिल सकता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों भोजन करने से पहले पांच अंग यानी दो हाथ, दो पैर और मुख के अंगों को अच्छी तरीके से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता तथा अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले तीन रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौए के लिए अलग निकाल कर फिर अग्नि देव को भोग लगाकर ही घर वालों को खाना खिलाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं, और वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए जो कंजूस हो, या वैश्य के हाथों से शराब पीने वाले का दिया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना
करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांग जाए या ठोकर लगा जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करते हैं तो ये अमृत के समान होता है। ऐसे भोजन को धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है और ऐसे भाई को नरक नहीं जाना पड़ता, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी थाली माना जाता है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। वहीं पतियों के लिए भी जरूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानी अपनी घर की औरतों का सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। जो भी व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करता है या उनके साथ मारपीट करता है तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे ही रहेगा और कभी भी भाग्य को आपके हित में नहीं आने देगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म ना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहें। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इसलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से ना चूके। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। अपने माँ बाप तथा अपने परिवार का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलेगा और बुरा समय भी जल्द ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ उसे आपको सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करना है। आप एक रोटी लें और उसको अपने ऊपर से 31 बार वार लें, यानी 31 टाइम्स उसे अपने ऊपर से वार लें। घड़ी की दिशा में इसे घुमाना है। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते या फिर किसी नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चूना लगाए हुए पान चढ़ाएं और दिए जलाएं। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपके जीवन में जितनी भी बलाएं हैं वो टल जाएंगी। सायकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये शामिल है। इसके पीछे ना सिर्फ धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोना या उदास बैठना घर में नकारात्मकता फैलाता है। ऐसा ना सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों, आमतौर पर बहुत सी महिलाएं एक बहुत बड़ी गलती करती हैं। इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि जब भी घर में पति खाना खाने बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ आपके पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं क्या गलती करती हैं कि जब पति खाना खाने बैठता है तब बहुत से घरों में पत्नियां विशेष रूप से उनसे नई नई बातें बोलती हैं और कड़वे वचन खाना खाते समय अगर पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में सदैव कलह और आतंक का माहौल रहता है। तो इस कारण भूलकर भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये थे कुछ उपाय जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि कौन सी ऐसी गलती है जो पत्नी अगर करती है तो उसका सीधा असर आपके पति पर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।